करीब 1,125 वर्ष की शानदार गौरवशाली विरासत रखने वाले विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्वालियर व्यापार मेला के प्रति शासन व प्रशासन के लगातार अपेक्षा भाव के चलते मेला के वैभव व आवश्यक बुनियादी व्यवस्था में निरंतर आ रही गिरावट से ग्वालियर मेला के व्यापारी व्यवसायी उद्यमी खासी नाराज हैं। ग्वालियर मेला के शुभारंभ की पूर्व संध्या पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्रीमंत माधव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेला व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर करते हुए मांग की कि मेला की बिगड़ी व्यवस्थाओं को तत्काल दुरुस्त किया जाए, अन्यथा अभी तक आग्रह व मनुहार कर रहे हैं। मेला व्यापारी अपने रुख को और अधिक कड़ा भी कर सकते हैं। पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्रीमंत माधव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेला व्यापारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र भटकारिया, सचिव महेश मुदगल, संयोजक उमेश उपल, प्रवक्ता अनिल पुनियानी ने रोषपूर्ण स्वर में कहा कि 2 वर्ष की कोरोना त्रासदी झेलने के बाद इस वर्ष 25 दिसंबर से भले ही ग्वालियर मेला औपचारिक रूप से शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार मेला जो तमाम परेशानियां व अभाव झेल रहा है उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ग्वालियर मेला 187 संस्था है, इस नाते यहाँ स्वतंत्र आधार पर त्वरित निर्णय लेने में अधिकार संपन्न अध्यक्ष होना अति आवश्यक है। इससे पहले जब मेला प्राधिकरण अध्यक्ष का पद रिक्त होता था उस वक्त संभागीय अध्यक्ष के पास ही मेला अध्यक्ष का दायित्व होता था, लेकिन इस बार यह परिपाटी तोड़ते हुए मेला अध्यक्ष की पदेन जिम्मेदारी प्रदेश के एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश अखलेचा को सौंप दी गई है, जो भोपाल में ही रहते हैं और बल्लभ भवन से मेला को संचालित करते हैं। मेला से संबंधित सभी निर्णय का देरी से लिए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि मेला अध्यक्ष की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाल रहे मंत्री महोदय की ग्वालियर मेले में न रुचि है न ही कोई प्लानिंग है। मेला व्यापारी संघ ने मांग की है कि ग्वालियर मेला अवधि तक मंत्री अखलेचा ग्वालियर मेला में ही कैंप करें और यदि उनके लिए यह संभव नहीं है तो मेला अध्यक्ष का प्रभार पूरी तरह ग्वालियर संभागीय अध्यक्ष को सौंप दिया जाए, ताकि मेला व्यापारी अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए उनसे कभी भी तत्काल संपर्क कर सकें। ग्वालियर व्यापार मेला व्यापारी संघ द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन आज यहाँ मेले में किया गया। हमारा मुख्य उद्देश्य था कि मेला दिन पे दिन प्रगति की ओर बढ़े, मेला आगे बढ़े, मेला और अपनी ऊंचाइयों को छुए, जिसमें जो कमियाँ हैं उनके ऊपर प्रकाश डालने के लिए आज की पत्रकार वार्ता बुलाई है। एशिया का सबसे बड़ा मेला और लगभग 105 वर्ष पुराना ये मेला है, इसका इतिहास रहा है 117 साल। तो इसमें इस मेले में ये कमियां इस बार देखी जा रही है, उसका क्या कारण होगा? हिंदुस्तान के पक्के निर्मित एकमात्र इस ग्वालियर मेले में, जैसा भी आपने कहा 117 वर्ष पुराने मेले में जो कमियां हैं वह आयोजकों के ध्यान न देने की वजह से है। कोरोना काल के अंदर यहाँ पर सब्जी मंडी लगाई गई, बड़े बड़े ट्रकों का आना जाना हुआ, पूरी रोडें खुद के साफ हो गई। आवश्यक यह था कि मेला लगने के पहले वो रोडें बनाई जानी चाहिए, आवश्यक यह था कि मेले को धूला रहित करना चाहिए था, आवश्यक यह था कि मेले की दुकानों की मरम्मत की जानी चाहिए थी, और आवश्यक यह भी था कि समय के पूर्व सारी तैयारियाँ कर ली जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि माननीय मंत्री महोदय ने अध्यक्ष के अधिकार अपने पास रखे। अगर यहाँ बॉडी बन के नहीं आई तो हमेशा कांग्रेस और बीजेपी के शासनकाल में ये अधिकार संभागीय कमिश्नर पे होते थे, ताकि तत्काल निर्णय हो। आपका कहने का मतलब ये है कि मेला कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हो गया? नहीं, अब मैं इसको राजनीति में, तो हमारे जो इस मेले के व्यवस्थापक हैं उनका ध्यान कम देने का हो गया, उनको थोड़ा ध्यान प्रॉपर। ऐसा क्या कारण रहा आपकी नज़र में कि जो मेले के जो आयोजक हैं उन्होंने इसका ध्यान कम दिया? ये उनसे चर्चा करने के बाद पता लगेगा कि ऐसा कौन सा कारण था, ये वही बताएंगे, मैं उनसे चर्चा करेंगे। हम कहीं ना कहीं इस मेले की छवि धूमिल हो रही है, इतना पुराना और एशिया का सबसे प्रसिद्ध मेला इसको। इस मेले का दुकानदार अपनी पूरी ताकत लगा के भव्य शोरूम बना रहा है, बहुत अच्छी दुकानें चला रहा है, यहाँ खरीदार भी आ रहा है। कोई भी व्यक्ति इसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास करे होगा नहीं, लेकिन जो व्यवस्थाएं और होनी चाहिए उनका अभाव नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश आरटीओ के द्वारा 25 साल की छूट दे दी गई थी, उसका भी लाभ आज तक भी लोगों को नहीं मिल पा रहा, इसका क्या कहेंगे? इसका कहाँ से मिलेगा? आरटीओ ने एक शर्त लगाई कि शोरूम बने, शोरूम के लिए आपने दुकानें बाद में अलॉट की, आपने ये निर्णय छूट का था वो आपने लेट लिया, तो कहीं ना कहीं वो सफर होता क्या ना। लेकिन आरटीओ अपनी जो भी तैयारी करके यहाँ दे रहे हैं वो आज से